इतने पैसे बैंक में अपने अकाउंट में रखें ताकि अभी जॉब छूट गई तो एक साल के लिए आपके पास इंतजाम, बोलो ना यार, हो, क्योंकि कुछ असबाब भी इख्तियार करने हैं। बिल्कुल ही असबाब के बगैर अल्लाह पे तवक्कुल करना यह भी दुरुस्त नहीं है। तो अगर आपकी जॉब चली गई तो जितना आपका अभी लाइफ स्टाइल है, जो खाने पीने की आदत पड़ चुकी है, वो एक साल तक आप किसी से कर्जा लिए बगैर चल सके, तो एक साल में अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि कोई दूसरा कारोबार या जॉब मिल जाएगी। नहीं मिली तो फिर तो एक हादसा है अल्लाह की तरफ से, वो हादसा तो और भी तरह से, वो तो चलता हुआ कारोबार भी अल्लाह छीन सकते हैं ना। एक साल तक का अपने पास क्या रखें, जमा रखें। बाकी क्या करना है, बहुत खतरनाक बातें कर रहा हूं यार, दोबारा आना है ना छोड़ने का। उसके अलावा क्या करना है, सदका कर दें, माजरत के साथ क्या कर दें, क्या कर दें, छोड़ो गरीबों को खिलाओ, अपने लिए आखिरत में क्या करो, मदरसे को दे दें, कोई मकान खरीद के, प्लॉट खरीद के मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए वक्फ कर दें। आखिरत के लिए क्या करना है भाई, जखीरा कर। शैतान कहेगा क्या कर रहे हैं, बोले अल्लाह बहुत बड़ा है, जिसने अभी खिलाया खिला लेगा। शैतान कहेगा नहीं खिलाया तो, नहीं खिलाया तो मर जाएंगे, नहीं खिलाया तो क्या होगा, वो भाई मरेंगे ही ना, इतनी क्यों मौत से नफरत हो रही है, जो काम होना ही है उससे इतनी नफरत करोगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। यानी पुलिस के बगैर मुश्किल केस है भाई। अब ये बहस मैंने छेड़ दी है, इसमें कुछ और चीजें भी हैं। अगर आप ये समझते हैं कि भाई मेरे तो अव्वल तो आजकल ये समझने की जरूरत नहीं कि मेरे कितने बच्चे हैं, बच्चे इतने होते ही नहीं आजकल, वो अल्लाह पे तवक्कुल है नहीं ना, तो वो जमा कर करके बच्चे भी कम पैदा करो ताकि कमबख्त ये ना खा जाए मेरा पैसा। तो अल्लाह ताला ने खानदान से ही महरूम कर दिया, मोहब्बतों से ही क्या कर दिया, महरूम कर दिया। लेकिन अगर औलाद ज्यादा है, आपको ये डर है कि यार अगर मैंने एक साल का रखा, बाकी मैंने सारा फी सबीलिल्लाह खर्च कर दिया, तो हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए, तो ठीक है फिर आप उन पैसों से बच्चों के लिए कोई चीज खरीद के बच्चों के हैंडओवर कर दें, बेटा ये तुम्हें मैंने क्या कर दिया है, अपनी मिल्कियत से निकाल दिया है, ये तुम्हें दे दिया मैंने, ठीक है ना। चार बच्चे हैं तो चारों को क्या कर दिए, बहरिया टाउन में एक एक प्लॉट खरीद के, अरे भाई बोलो यार उनको दे, बेटा अब ये मैं अपने पास ही रखूंगा, मैं गैर जरूरी चीजें अपने पास, मैं हल्का फुल्का होके दुनिया से जाना चाहता हूं, ये प्लॉट तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये बेटी तुम ले लो, ये तुम ले लो। बाज दफा ये डर होता है कि ये बच्चे प्लॉट बेच के अय्याशी में ना उड़ा दें, तो भाई तो उनके नाम करके फाइलें अपने पास रख लें। काफी गाड़ी हो गई आज, करना पड़ेगा। अल्लाह को ये खाली पीली के दावे कबूल नहीं। आप ये जो कहते हो ना मुझे दुनिया से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के इसकी दलील क्या है, तुझे दुनिया से मोहब्बत नहीं है, क्या दलील है ये, तो तूने 1 करोड़ रुपए बैंक में रखे हुए हैं कि दुनिया से मोहब्बत नहीं होती, तो ये इतने पैसे जमा करके रखे हुए होते हैं, है भाई क्यों रखे हुए हैं ये इतने, खैर के काम में लगाओ, चाहे अपनी औलाद पर ही लगा दो वो भी खैर है। अगर आप बीमार हैं, कमजोर हैं, आपको ये डर है कि मैं जल्दी मर जाऊंगा और मेरी बीवी जवान है, तो बीवी को एक प्लॉट दे दें। हमारे हजरत ने ऐसा ही किया था, एक घर बना के अपनी जौजा को दे दिया कि भाई मैं, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद तुम्हारे लिए कोई घर होना चाहिए। अपनी मिल्कियत में नहीं रखी कोई चीजें। हमारे हजरत की मिल्कियत में 1100 या 1200 रुपए होते थे महाना, बस बाकी जितना पैसा आ रहा है सब क्या करो, बांट बूट के खत्म। खाते पीते बड़े स्टाइलिश खुराक थी, खर्च करते थे, बाकी सारा क्या कर दिया, अपनी जात पे भी खर्च और मदारिस पे भी, घर वालों पे भी खर्च, खत्म। खुद हाथ क्या रखना है, अपनी जेबें हल्की रखनी है, और अगर जमा कर रहे हैं तो बस कितना, एक साल का। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वरना याद रखो गैर मुस्लिमों वाली जिंदगी होगी, फिर टेंशन से पागल हो जाओगे कि जो इजाफी है वो क्या कर दो, उड़ा दो, खर्च कर दो। मैं तो अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ऊपर ये इल्तजाम किया हुआ है कि घर में जो चीज साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुई ना, उसको घर में रहने पर पाबंदी है, चाहे वो कितनी कीमती हो, कितनी जरूरतमंद हो, उसको क्या करना है, निकाल बाहर करो, घर में नहीं रखो। एक साल तक इस्तेमाल नहीं हुई
ہم کیا کرتے ہیں یار ہو سکتا ہے آڑے وقت میں کیا آ جائے، کام آ جائے. بھائی سال میں آڑا وقت نہیں آیا تو نکالو اس میں،